हेलो दोस्तों, मैं आपका सुमित सेन, आपका चैनल सुमित सेन टेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपने मोबाइल के सिक्योर फोल्डर में कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या फोटो या वीडियो रखे हैं, अगर गलती से आपका मोबाइल रीसेट हो जाता है तो उस सिक्योर फोल्डर के जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, फोटो थे, डिलीट होने के बाद आप कैसे उसको रिकवरी कर सकते हैं। जी दोस्तों, उसको बिल्कुल इजी तरीके से कैसे उसको वापस ला सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सिक्योर फोल्डर को ओपन करना होगा। ठीक है, आपके मोबाइल में जहाँ भी हाइड होगा सिक्योर फोल्डर, उसको ओपन करना होगा। जैसे कि मैंने ओपन यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आपको ओपन करना है। दोस्तों, अगर आपने सिक्योर फोल्डर पर आपका पासवर्ड, पिन, पैटर्न कुछ भी लगाया हो तो उसको खोलना है। ठीक है, खोलने के बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर कोने पर आप देख रहे हैं थ्री डॉट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों उसको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग पर जैसे ही जाइएगा दोस्तों, उसके बाद आपके सामने आएगा बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने आपका मोबाइल का आईडी जो भी होगा, अकाउंट का आईडी जो बनाएंगे वो दिखाएगा। उसके बाद आपसे पासवर्ड भी मांग सकता है। ठीक है दोस्तों, मेरे से पासवर्ड मांगा था, मैंने डाल दिया। ठीक है, आपसे भी मांग सकता है, तो मांगेगा पासवर्ड तो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको बैकअप सिक्योर फोल्डर पर डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करिएगा दोस्तों तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको क्या क्या चाहिए। मतलब बैकअप में आपको कैलेंडर, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, एप्स, सिक्योर फोल्डर, सेटिंग, जो भी आपको चाहिए इस पर क्लिक करना है। नहीं चाहिए तो इन्हें डिसेबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकअप दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करिएगा तो एक कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो डाटा चाहिए आपको, वो डाटा का ऑटोमेटिक प्रोग्रेस होना चालू हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.45 GB का यहाँ पर डाटा दिखा रहा है मेरा, तो यहाँ पे आपको हाइड कर देना है, आपका डाटा यहाँ से बैकअप होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली से जो भी आपको काम करना है बैक करिए, काम करिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों अगर उसके बाद कुछ मिनटों में आपका बैकअप डाटा पूरा रिकवरी हो जाएगा, वापस आ जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।